सफल बनाने के लिए अगर बातचीत करें तो महिलाएं अग्रणी भूमिका में रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ नगर पालिका की उप प्रधान मंजू कौशिक जी। बातचीत के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी समय तक एक्टिव रही, उसके बाद राजनीति में आई और अभी फिलहाल नगर पालिका की उप प्रधान है। ये बातचीत करते हैं मंजू कौशिक जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह से मातृशक्ति ने आज के इस कार्यक्रम को बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जी, और आपने भी अमूल्य योगदान इस कार्यक्रम में दिया है जी, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं आपको ये बताऊँगी कि इस तरह के धर्म से जुड़े हुए आयोजन समय समय पर होने चाहिए। भगवान परशुराम की जो 61 दिन की जो यात्रा चली आ रही है हवन कुंड की, उसका यहाँ पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया है। ब्राह्मण समाज, विप्र समाज और सर्व समाज की तरफ से मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो अष्टधातु की मूर्ति जो बन रही है भगवान परशुराम की, जो अभी निर्माणधीन है, उसमें 11 करोड़ की लागत लग रही है। वो किसी एक समाज या सरकार नहीं, सर्व समाज मिलके उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और आज के इस सुंदर आयोजन के लिए विप्र समाज, सर्व समाज सभी बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा मेरी बहनें बधाई के पात्र हैं, जो हमारी एक आवाज़ पर आ जाती हैं, जो उन्होंने कम से कम 250-300 की संख्या में महिलाएं आज उपस्थित होकर जिन्होंने कलश उठाया और इस यात्रा को बहुत ही शोभायमान बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के। आज के हमारे मुख्य अतिथि को एक आवश्यक मीटिंग में जाना है, इसलिए उन्होंने सबसे आज बड़ी खुशी हुई है। हमारे को एक ग्रंथ में देख करके हमारे समाज के 90% आदमी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे कि एक ग्रंथ में बैठे, परंतु पास में बैठने वाले को दिक्कत हो जाए तो इस बात की मुझे कोई परेशानी नहीं। आज मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं। आज आपके बीच में कहता हूं कि महेंद्रगढ़ में किसी भी ब्राह्मण को इस जिले में नहीं, हरियाणा में या जहां भी हो, आपके साथ किसी भी बात की कोई दिक्कत, कोई अन्याय या कोई आपके विरुद्ध कोई बात हो, सुरेंद्र कौशिक आदि रात को आपके बीच में खड़ा मिलेगा। और हम कोई बात नकली पकड़ी बात नहीं करते, हम बात बड़ी ओरिजिनल और बड़ी मार्मिक करते हैं। टिटू कौशिक मेरा भाई, टिटू कौशिक का कहा हुआ कही हुई बात में काम नहीं सकता। मेरे को महाराज जी ने रथ में बैठाया, टिटू कौशिक कहने लगा कि आपको तो रथ में बैठना है। मेरे को अमित भारद्वाज कहने लगा कि रथ में बैठना है, मैं आपका चला हुआ रथ है, इस रथ में मैं जरूर बैठूंगा मेरे भाई। आज पूरे शहर में, पूरे इलाके में बड़ा खुशी का माहौल है। और मैं ये भी कह करके जाऊंगा, अमित ने मेरे सामने एक बंदिश लगाई हुई कि आज हमें किसी प्रकार का कोई चंदा बंदा या कुछ भी नहीं करना, पर फिर भी मैं कह करके जाऊंगा कि मेरे लायक जो भी सेवा जितनी आपने मन में सोच रखी, याद है मेरे को हर तलाई में मिल करके चलना, उस रक्त तलाई में भी अगर आप मेरे को लेकर के चलेंगे, वहां भी चल करके मैं आपके समाज का स्वाभिमान बढ़ा करके आऊंगा, नहीं कि घटा करके आऊंगा। मैं एक बार राजस्थान में चला गया, इंद्रलाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष दयाशंकर जी हैं, पंडित महावीर जी भांडोर वाले हैं, उनके साथ रामोतार जी भी विप्र फाउंडेशन के प्रदेश के सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बोल भगवान परशुराम की। महेंद्रगढ़ वाली बात गेरड़ा नहीं बोले ललित, हाँ बोल भगवान परशुराम की। बहुत बहुत महाराज को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। मंच पर उपस्थित विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप जी वशिष्ठ, उनके साथ में रामोवाल के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील जोशी जी,
और ब्राह्मण सभा के प्रधान बहुत ही सम्मानित आदरणीय दिनेश महेंद्र जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए शायद हम सबसे ज्यादा युवाओं से ज्यादा मेहनत करी। एक बार मैं चाहूंगा दिनेश महेंद्र जी के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें, जिनको साहित्य में जिनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को चार चांद लगे। सर्व समाज के प्रधान, लगभग हमने 21 तोरण द्वार लगाए, सभी समाजों से हमने अनुरोध किया था, उन सभी ने पूरी भागीदारी इस कार्यक्रम में रखी, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश के संरक्षक श्री रामविलास शर्मा जी अभी आप लोगों के बीच में थे, वो गए हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और मेरे आदरणीय बड़े भाई पूर्व जिला श्री सुरेंद्र कौशिक जी, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया। मैं दोनों से इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आप दोनों हमारे अग्रज हैं। सर्व समाज जब इस महीने के विकास की बात करता है तो आप दोनों की तरफ देखता है, पर जब किसी बात की कोई नुकसान दे होती है तो आप दोनों की नहीं होती, हमारे सारे समाजों की दूर करती होती है। मेरा तो आपसे यही आग्रह है, जिस तरीके से आप रथ पर बैठ करके चले, इसी तरीके से इस महीने के लिए मिलजुल करके रहे। आपके रथ को चलाने वाले आसपास कमीशन के पूर्व सदस्य मेरे बड़े भाई देवेंद्र जी यादव ठाकुर और आपके सहयोग में कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन कमल सिंह जी ठाकुर आपके साथ उपलब्ध के ऊपर थे। ऐसा लग रहा था मानो कि आज सभी समाजों का सभी धर्मों का समावेश आज इस यात्रा के अंदर हुआ। आज लगभग 25 जगहों पर पुष्प वर्षा हुई। ये शोभा यात्रा मुझे नहीं पता, मेरे से पूर्व में आप सभी ने देखा होगा कैसे क्या होता था क्या हुआ, लेकिन ये मेरी याद में ऐसी पहली शोभा यात्रा थी जो इतने अच्छे तरीके से आप सर्व समाज के लोगों ने व्यवस्थित तरीके से चलाई, और इसके अंदर शायद महिलाओं की जो संख्या रही, महिलाओं का जो दायित्व हमने दिया था वो मुख्य रूप से हमारे नगर परिषद की नगर पालिका की उप प्रधान श्री मंजू कौशिक जी और महिला जागृति मंच की अध्यक्ष श्री ललिता अली भारवा जी ने जिम्मे दिया था, जिन्होंने लगभग 500 महिलाओं की संख्या एकत्रित करके कलश यात्रा का भव्य शोभा यात्रा निकाली। इसके लिए उनका भी मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा एक संरक्षक टोली जिसके अंदर श्री दयाशंकर जी तिवारी, श्री कैलाश पाली जी, श्री सुधीर दीवान मुख्य रूप से शुरू से लेकर अंत तक इसमें रहे, उन सभी ने बहुत मेहनत के साथ, सभी लोगों का मैं नाम लूंगा तो कार्यक्रम में बड़ी देरी हो जाएगी। इसके अलावा आज सुरेंद्र भक्ति भाई ने जिस तरीके का आयोजन अपने व्यापार मंडल की तरफ से रखा, इसके लिए सुरेंद्र भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कुल मिलाकर हमने प्रयास किया, सभी समाजों ने प्रयास किया तो ये कार्यक्रम सफल हुआ। इस सफलता का श्रेय विप्रो फाउंडेशन सर्व समाज को देता है। नमस्कार, जिस तरह से बातचीत कर ले भगवान परशुराम की भव्य यात्रा महेंद्रगढ़ पहुंच गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री है प्रोफेसर रामविलास शर्मा, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। और बातचीत करें तो बड़े भव्य तरीके से ये कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया। अभी एक बार हम भी परशुराम भवन में पहुँचे हैं और बातचीत करेंगे तो मुख्य अतिथि महोदय हैं, उनसे बातचीत के दौरान पता लगाएंगे कि जो कार्यक्रम है बड़ा ही भव्य तरीके से सभी ब्राह्मण भाइयों ने नहीं समुचित बिरादरी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। तो चलिए ये बातचीत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार, आज राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है जी भगवान परशुराम, ये मेरे साथ में नगर पालिका की वाइस चेयरमैन मंजू कौशिक है जी, ये टीटू सूर्य प्रकाश है, अमित माधोगढ़ है। आज भगवान परशुराम की यात्रा का राव तुलाराम को माला पहना करके पूरे नगर में आप संख्या देख रहे हैं बहनों की जी, कलश में ऐसा अभूतपूर्व दृश्य महेंद्रगढ़ में उपस्थित हुआ है। और
ये कार्यक्रम का समापन हुआ है। भगवान परशुराम एक बिरादरी के नहीं थे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विवक्षणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। ये सात जो है ये महाशक्तियाँ हैं, ये अवतार हैं, और छठे अवतार थे भगवान परशुराम विष्णु जी के। उनकी शिक्षा दीक्षा पर आज उनका भव्य स्वागत हुआ है। मैं इस बात से महेंद्रगढ़ की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।